प्राकृतिक दृश्य से बोलता है। हाँ, कितना लोग मारा है सब जगह पर, उधर भी आदमी तो लोकल है कोई उस तरफ से आया है। नीचे हेलमेट ले चलिए, हेलमेट ले चलते हैं। ऐसे खाली फंसा दिए ना, पकड़ लेंगे। उठाइए इसको, उठाइए तो ना, वहाँ घुसाइए, उसको भी ऐसे ही कर दीजिए, वो तो फंसा ही वाला ही। चलिए मजेदार है, पूरा थकावट दूर हो जाएगा खाली देख के। सुनते थे दशम फॉल, दशम फॉल, ये वो कैंटीन वाला लोग का है। कैंटीन है, कुछ चालू नहीं है, बंद है। भाई ये है दशम फॉल, का नाम है दशम फॉल। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आकर्षक चीज है ये, और इतना मजा आ रहा है इसको देखने में, देख के ही इतना बड़ा रोड ट्रिप मेरा पूरा थकावन दूर हो गया। क्या सीन है, जूम करके दिखाते हैं। पानी का स्पीड देखिए, जबरदस्त प्राकृतिक सौंदर्यकरण का इससे अच्छा नज़ारा और हो ही नहीं सकता। तो बोलते हैं भगवान, भगवान भूसा करते। और यहाँ पे हम आए हुए अपने पापा के साथ, क्योंकि हम लोग चले थे कल। हाँ, ये रहे मेरे पापा खाने बनाते हुए। हाँ, वो लोग, वो सब कुछ घर है उसमें, बस्ती भी हो सकता है, कुछ बस्ती है ना, देखते कपड़े लगे। हाँ, बस्ती है, बस्ती है। अच्छा है, इसको बैठ के देखने के लिए वहाँ पे बनाया हुआ, देखिए वो रेलिंग में से उतरिए, वहाँ पे सोफा बनाया हुआ है, रेलिंग में से उतर के सोफा बनाया हुआ, वहाँ बैठ के देखिए। फर्स्ट टाइम हम आया, आप भी फर्स्ट टाइम ना। और देखिए उस तरफ से भी उतरने का है, उधर भी, उधर से भी कुछ है। अच्छा, ये जो हो गया ना, ये दो रास्ता है, एक वो हो गया नया वाला, ये वाला हो गया पुराना वाला, इसीलिए वहाँ पे लिखा था दशम फॉल ओल्ड 7 किलोमीटर।
मैंने पुराना तरफ का हो गया इतना घुमा के, वो नया वाला है तो वो थोड़ा सा नज़दीक उजदीक होगा हो सकता है। उधर से भी देखे वो सब सीन सब देख सकते हैं आदमी, और जो दूर से दिखा रहा है ना वो ला वो सब, ये जो पानी इधर से जा रहा है उधर से भी ऐसा करके पानी उतरता होगा। वो देखे वहाँ झरना दिख रहा ना, उधर से उतरता है ना, इधर से गिर के उधर, हाँ वही इसी टाइप का ही होगा, उधर भी उतरता नहीं जा रहा होगा, हाँ वही वही चीज होगा, उधर भी वैसी टाइप का ही दिख रहा है, पूरा एकदम पूरा पानी बह रहा है बहुत वहाँ पे भी। यहाँ तो खैर जो नज़ारा है मस्त है, सूरज कब दूर किरण से, कब दूर बाहर चमन से, इसका आवाज इतना मस्त लग रहा तो है। यहाँ पे खड़ा ही है ना, खड़ा ही है, हाँ अरे देखिए बनाई बनाई खैनी बनाई, अरे खैनी बनाते रहने का, खैनी में क्या अपना खैनी, चलिए हाँ। और ये रहा इस जलप्रपात को देखने का अति उत्तम व्यवस्था जो कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। यहाँ एक सिटिंग सोफा है, फैमिली के साथ आइए यहाँ पे और इस प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा लीजिए, बहुत ही लाजवाब बहुत ही खूबसूरत। आगे जाना वर्जित है, देखिए यहाँ कांटों का तार दिया गया है, फिर भी अगर इसको क्रॉस करके कोई जाता है स्लिप करता है तो मर जाता है। आगे जो मर गए होंगे उन लोग का आत्मा भटकता होगा और दूसरे लोग को पकड़ लेता होगा और कुछ नहीं। यहाँ पे बैठिए, मज़ेदार जगह है। हाँ ये देखिए यहाँ से आ रहा है पानी ऊपर से, इतना इधर से पानी आ रहा है बह के, ये भी हम जूम करके कैमरे को दिखा रहे हैं। यहाँ से जो पानी रनिंग है, ये रनिंग होके ऐसे करके आ रहा है, ये घूमते घूमते आ रहा है। ये हम अपने पापा को यहाँ पे बैठा के इनका थोड़ा सा याद के लिए एक ले लिए हैं, वीडियो में कहीं कहीं पे मेरे पापा खैनी बनाते हुए दिख जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि इनका सबसे फेवरेट चीज़ है। खाना छूट जाए पीना छूट जाए खैनी नहीं छूटना चाहिए। बहुत बहुत खूबसूरत बहुत लाजवाब चीज़ है ये। तकरीबन 9 मिनट का वीडियो बनता हुआ, थैंक्स टू माय फादर जो मेरे को यहाँ तक लेके आने में हिम्मत दिए, गाड़ी को ड्राइव करते हुए हम आए यहाँ तक। तो इतने लंबे एक्सीडेंट के बाद में एक अच्छा मेरा मतलब क्या कहते हैं उसको जर्नी हुआ, एक अपना कॉन्फिडेंट लेवल हाई करने के लिए। थैंक यू माय ऑल फैमिली मेम्बर्स, थैंक्स टू गॉड।